दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं उसमें सेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबको पता है कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हैं, उसके बाद जब अवेयरनेस होती है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं, तो सबसे जो ड्रीम प्रोफाइल बन के आती है आपके माइंड में, वो होती है स्ट्रक्चर इंजीनियर की। कई लोगों के अंदर एक अपवाद होता है कि सर एमटेक करेंगे तभी स्ट्रक्चर बन इंजीनियर बन पाएंगे। बिल्कुल ये अपवाद गलत है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किस तरह का सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगा स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में सच में जानना है, वही इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर एक पेशेंस ले आएंगे, वो वही ला सकते हैं जिनके लाइफ में कुछ करने का दम है। ठीक है, वैसे तो जनरली तो आजकल तो रील का जमाना है, बस आए टक 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 वाले जो टाइम पास वाले लोग होते हैं। चलिए तो डिटेल में समझते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों को हमको नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो टाइम है वो टाइम वैसा नहीं रह गया कि वो जो सिर्फ मैनुअल 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 करते रहे, नहीं। आज के टाइम में मैनुअल और सॉफ्टवेयर को बैलेंस करना आना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे, जो हमारा अपना कह सकते हो कोर्स का सिलेबस है बीटेक का या फिर एमटेक का, उसमें मैक्सिमम मैनुअल 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 कर दिया गया। और इंडस्ट्री क्या करे, इंडस्ट्री कहती है पहले सॉफ्टवेयर फिर क्रॉस चेक करने के लिए मैनुअल, इतना नॉलेज होना चाहिए। तो भाई मैनुअल में क्या क्या पढ़ लो समझ में नहीं आता सर, अब लिस्ट बना लो। जो जो बोल रहा हूं इसके बाहर से नहीं पूछ पाएंगे, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं। अब बोलो सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कोर्स बनाया है ऑल इन वन, 250 घंटे का कोर्स कंटेंट बना दिया है। आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उस पूरे सिलेबस को टच करके ही क्वेश्चन बने हैं। मतलब इंटरव्यू में लोग जो पूछते हैं ऑल इन वन के बिना नहीं पूछते हैं। कोशिश यही रहती है कि मेरे सारे क्वेश्चंस वहीं से आएँ, बट हो सकता है एक दो बाहर से आएँ, इसलिए 80% मैं आपसे बोल सकता हूँ ऑल इन वन कोर्स करने के बाद 80% आप अच्छे से आंसर कर पाओगे स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में। अगर आप अपने ऑल इन वन कोर्स नहीं देखा है तो यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे फेमस कोर्स है। जस्ट आप देखिए उसको, वॉच करिए, इसमें जो लेक्चर्स हैं आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या लेवल है उस कोर्स का। चलिए अब बताता हूँ कि भाई मैनुअल में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई मैनुअल में जो अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का होना चाहिए, डिफ्लेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, सिस्मिक एनालिसिस कैसे करते हैं, विंड एनालिसिस कैसे करते हैं, इनका मैनुअल आपको पता होना चाहिए। शेयर वॉल के बारे में पता होना चाहिए कि शेयर वॉल क्या होता है, किस तरीके से शेयर वॉल को यूज करते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। और क्या पढ़ लेना चाहिए सर, अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको फुटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फुटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और फुटिंग का अगर आपको डिजाइन आता है मैनुअली तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। फुटिंग में कौन सा फुटिंग ज्यादा पढ़ना चाहिए, पाइल ज्यादा पढ़ना चाहिए, आइसोलेटेड ज्यादा पढ़ना चाहिए और मैट पढ़ना चाहिए, यही ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ओके, तो आपको सपोज ये आ गया, इसके बाद और क्या पढ़ना चाहिए सर मुझे, इसके बाद आपको शॉर्ट कॉलम का और लॉन्ग कॉलम का एक मैनुअल डिजाइन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर उन्होंने पूछा कहीं से भी तो आप आराम से उनको आंसर कर पाओगे। ओके, उसके बाद आपको स्लैब के बारे में पता होना चाहिए और बीम के बारे में पता होना चाहिए। दीज आर दी सम बेसिक्स जो आपको पढ़ के ही जाना है। अब ये हो गया छोटी कंपनियों के लिए। बड़ी कंपनियों के लिए जो हाई रेंज प्रोजेक्ट्स करती हैं वो क्या पूछेंगे भाई, वो पी डेल्टा एनालिसिस, पी डेल्टा इफेक्ट्स क्या होता है, और उसके बाद आपसे पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होती है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होती है, इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। ओएमआरएफ क्या होता है, ऐसे में अभी जेडब्ल्यू कंपनी है उसमें एक बहुत अच्छा लड़का है शुभम सरकार, तो उसका उससे क्वेश्चन पूछा था कि ओएमआरएफ और एसएमआरएफ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आपको बताना पड़ेगा। आपको पूछेंगे कि फुटिंग के ऊपर ट्विस्टिंग जो आती है या फिर जो मोमेंट आता है वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, मोमेंट को कैसे आता है कि नहीं आता है, इस तरीके से आपसे क्रॉस चेकिंग करेंगे। सैगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस चेकिंग आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब उनको पता है जो कैलकुलेशन जानते हैं, जिन्होंने मैनुअल डिस्ट में स्टडी किया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं तो चलो टॉपिक्स हो गए, इसके बाद कौन से टॉपिक सर टच कर सकते हैं, इसके बाद डिटेलिंग्स आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को डायरेक्ट स्ट्रक्चर की प्रोफाइल पर नहीं डाला जाता है, पहले उसको स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल पर डाला जाता है। तो उसके लिए आपको पहले ऑटोकैड में स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करना आना चाहिए, ऑटोकैड में बीम का, कॉलम का, फुटिंग का सेक्शन बनाना आना चाहिए, प्लानिंग करना आना चाहिए, कॉलम पोजिशंस का नॉलेज होना चाहिए। सब मैंने ऑल इन वन में सिखाया है, कुछ अलग नहीं है, बस वहीं से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलो भैया ऑटोकैड आ गया, ऑटोकैड में स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स आ गई, बहुत अच्छी बात है, मैनुअल आ गया, और क्या पढ़ ले सर मतलब इसकी तैयारी के लिए। अब इसके बाद आप पढ़ो सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा जो सीखना चाहिए वो है स्टेट प्रो। स्टेट प्रो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेट प्रो है, इसलिए स्ट्रक्चर्स के लिए स्टेट प्रो पहले। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्टेट प्रो मतलब स्टेट फाउंडेशन भी उसी में आ गया, आरसी डिजाइनर भी उसी में आ गया, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है स्टेट प्रो में। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए ईटैप्स और सेफ। ईटैप सेफ क्यों, क्योंकि अगर जो हाई रेंज प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई रेंज बिल्डिंग्स हैं, उनकी मैक्सिमम डिजाइन जो होगी वो ईटैप पर देखने को मिलेगी, उनकी फुटिंग, उनके स्लैब,
वो देखने को मिलेंगे आपको सेफ में। कई ढेर सारे लोग ETF तो सीख लेते हैं, सेफ नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, वो जिस इंस्टीट्यूट में या फिर जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पर उनको एक सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन किया जाता है और उसी को इतना लंबा फीस बता दिया जाता है कि आप उतना लगता है आपको, चलो एक सीख लेते हैं, दूसरा बाद में सीख लेंगे। इस तरीके से आप अधूरा नॉलेज ले लेते हो। तो ये दोनों होना चाहिए। इसके बाद आपको एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर एक्सेल का अच्छा नॉलेज है तो आप धीरे 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 ग्रो 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 बहुत आगे ग्रोथ करते चलो जाओगे। ठीक है, इन सब बेसिक्स को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, अगर सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे। अब सॉफ्टवेयर के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर मैं जाऊँगा तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं कि मास सोर्स क्या होता है, लोड पैटर्न्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए जिन्होंने कभी नहीं सीखा है ETFs को, कभी नहीं सीखा है सेफ को। अगर रिविजन करना है आपको ETF सेफ का, स्टेट प्रो का, ऑटो कैड का, तो मैं बेस्ट आपको सोल्यूशन देता हूं कि आप आराम से जाओ ऑल इन वन ले लो। और उसमें अभी तो समर सेल चल रहा है, आप सबको पता होगा, तो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए में सब कुछ सीख लोगे वहां पे। बाकी और क्या हम लोग ये सर और क्या तैयारी कर लें जिससे कि इंटरव्यू हमारा क्रैक हो जाए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है वो कोरिलेट होना चाहिए स्ट्रक्चर से। अगर नहीं है तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन करो अपने रिज्यूम में जो स्ट्रक्चर से कोरिलेट करे, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्राइब करना चाहिए कि G+5 का हमने सेस्मिक एनालिसिस किया था। अब सेस्मिक किया था तो भाई, अब सेस्मिक के अंदर क्वेश्चन अगर पूछूंगा तो बहुत डीप में चला जाऊंगा। क्यों? बेस ईयर क्या होता है, ठीक है, बेस ईयर कैसे होता है, एक्सियल लोड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एक्सियल में भी अभी एक्सियल लोड हो गया, इसके बाद इसेंट्रिक लोड में पूछेंगे कि यूनिएक्सियल कॉलम क्या होता है, बाई एक्सियल कॉलम क्या होता है, ये उसके अंदर के पार्ट है, मतलब कॉलम के अंदर के पार्ट है। निचोड़ दूं तो आपसे क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं? कॉलम से, बीम से, स्लैब से, फुटिंग से, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। आप इन्हीं की प्रॉपर्टी पता करो क्या क्या होती है, ठीक है। स्लैब का क्या होगा? स्लैब होगा वन वे होगा, स्लैब होगा टू वे होगा, अच्छा जी। स्लैब में रेनफोर्समेंट कितने का डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, मेन बार क्या होता है, ओके जी। अब जब क्या हुआ, स्लैब के अंदर घुसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, ठीक है। स्लैब का जो एस्टिमेशन है वो कैसे करेंगे, स्लैब का जो ड्रॉइंग है वो कैसे बनाएंगे, अच्छा भैया पूरा स्लैब पता चल गया। अब कॉलम में सर क्या पूछेंगे, खुद दिमाग लगाओ, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, कॉलम में टाइस कहाँ देते हैं, कॉलम में लैपिंग कैसे कैसे देते हैं, स्टीरअप्स की स्पेसिंग क्या क्या, मतलब मतलब टाइस टाइस की स्पेसिंग क्या क्या रखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और क्या पूछेंगे, एक्सली लोड कॉलम कौन से होते हैं, सेंट्री कॉलम कौन से होते हैं। बीम से सर क्या पूछ सकते हैं, भाई सिंगली बीम क्या होती है, डबली बीम क्या होती है, कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, किस तरीके से उसकी डिटेलिंग करना चाहिए, एक्स्ट्रा वायर कैसे देना चाहिए, क्रैंक वायर कैसे देना चाहिए। बोलो सर इतनी स्पीड में भाई क्या करूं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का क्या है, उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, तो भाई जल्दी जल्दी से बता के आपको ढेर सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसे ही आप फुटिंग में देखो कि फुटिंग में स्लो फुटिंग कहां पे यूज करते हैं, स्लो फुटिंग में फुटिंग स्लोप कितने का देते हैं, इसेंट्री फुटिंग कहां पे यूज करते हैं, इसेंट्री फुटिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करो। सेंटर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कॉलम है तो सेंटर लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। सेंटर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके कैसे इंपोर्ट करते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, और उसके बाद स्नो लोड, इनके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, और आईएस कोड यूज करके कैसे लोड कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर वॉल का लोड है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डेंसिटी इनटू थिकनेस इनटू वॉल हाइट माइनस बीम डेप्थ, ओके जी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे जल्दी जल्दी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैक्सिमम मैं बताऊं आपको 2-3 महीने अगर आप लगा दो तो स्ट्रक्चर्स जो आज के टाइम पे आपको चाहिए इंटरव्यू में जो चाहिए वो सारा चीज आराम से कवर हो जाएगा। वैसे तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है बट इंटरव्यू के लिए जितना चाहिए 2-3 महीने बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं पसीने में बना रहा हूँ क्योंकि फैन आवाज चालू कर दूंगा तो क्या होगा कि आपको साउंड सही से नहीं आएगा, तो इसलिए यार इतना अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके लिए तो इसको लाइक तो कर ही दिया करो और एक दो लोगों को शेयर कर दो कि तुम्हारा क्या जाएगा, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि यार क्यों शेयर करूँ मैं, भाई आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। ऐसे टीचर्स को अगर आप खो देते हो, खो इन द सेंस मतलब यही रहेंगे, ऐसे टीचर्स अगर वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार नहीं बनाना, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, तो आपका ही लॉस है। आपका इन सेंस सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो टीचर्स को वैल्यू देना है, सिर्फ मुझे नहीं जितने टीचर्स जो भी अच्छा कर रहे हैं आपको लगता है कि ही इज अ वैल्यूएबल पर्सन, तो उनको सपोर्ट करो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आज ही डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, बाय बाय।